हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सूरज में। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इंडक्शन के ऊपर फिर से, क्योंकि हमारे पास सिंगर कंपनी का एक इंडक्शन आया। तो आइए इसको एक बार आपको दिखा देते हैं, फिर आगे इसका प्रॉब्लम फाइंड करते हैं और रिपेयर करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सिंगर कंपनी का इंडक्शन, जिसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिर्फ सप्लाई आ रहा है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है और कोई बटन भी काम नहीं कर रहा है। तो आइए एक बार आपको सप्लाई में लगाते हैं। पहले तो हम सीरीज में लगाएंगे इसको। ये हमारा सीरीज सॉकेट है, लगा दिया हमारा बल्ब, कोई ज़्यादा ग्लो नहीं कर रहा, मतलब नॉर्मल शॉर्ट नहीं है वैसे तो। और यहाँ पे हमारा सिर्फ वोल्टेज शो कर रहा है, वोल्ट का ऑप्शन आ रहा है और वोल्टेज शो कर रहा है। तो यहाँ पर बटन भी दे रहा है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा 235 240 आ रहा है। बाकी यहाँ पे आगे पावर बटन, फंक्शन या फिर कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है। तो आइए इसका प्रॉब्लम फाइंड करते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हम कैमरा को लगाते हैं स्टैंड पे, फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, तो हमने इसका अनबॉक्सिंग कर दिया, देख पा रहे हैं डस्ट वगैरह भी जमा है। पहले भी बताए थे सिंगर कंपनी का है, 2000 वाट में। इसका बाहर के नीचे, बाकी इसका भी खोल लेते हैं कॉइल। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हमने इसको पूरा ओपन कर लिया है, कॉइल का कनेक्शन खोल देंगे और देख पा रहे होंगे कितना बुरी तरीके से डस्ट भरा पड़ा है। तो आइए एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं, क्लीन करके फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तब तक के लिए हम वीडियो पॉज कर लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो ये फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे अभी कितना डस्ट लगा है इसमें, मेरा IGBT सेक्शन पे ये सब, इसके वजह से IGBT शॉर्ट भी हो जाता है। तो आइए इसको प्रॉपर क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा क्लीनिंग कंप्लीट हो गया, अब एक बार इसको असेंबल करके इसका प्रॉब्लम सॉल्व से फाइंड करते हैं। तो आइए इस बार एक बार इसको सेटअप कर लेते हैं, फिर आपको आगे बढ़ते हैं वीडियो में दिखाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हमने प्रॉपर कनेक्ट कर दिया, अब इसको सीरीज में एक बार सप्लाई देके देखते हैं फॉल्ट सॉल्व हुआ कि नहीं क्लीनिंग से, या फॉल्ट अभी भी है। अभी हमारा फॉल्ट शो कर रहा है, देख पा रहे होंगे ओनली वोल्टेज शो कर रहा है। तो आइए इसको अब चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में, इसको फिलहाल चेक कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं प्रॉब्लम कहाँ है। आइए फ्रेंड्स, तो आप जैसे देख पा रहे होंगे, एक बार हम लाइट बंद कर देते हैं, आप देख पा रहे होंगे अभी भी ये वोल्टेज शो कर रहा है। तो ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा है ना, इसका स्टार्ट होने का फंक्शन कुछ ऐसे, पावर बटन को हम लॉन्ग प्रेस रखेंगे। अभी देखिए 1000 पे हमारा इंडक्शन स्टार्ट हो गया, रन कर गया, अब ये E0 शो करने लगा, ब्लर आ रहा है थोड़ा सा, आप देख पा रहे होंगे E0 का एरर कोड। इसको ऑफ करना है, तो फिर हम लॉन्ग प्रेस रखेंगे, फिर हमारा 1000 पे स्टार्ट हो गया। तो ये इसको ऐसे नहीं करना है, हमारा वन क्लिक पे इसको वर्क करना चाहिए, इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ रहा है स्टार्ट के लिए। देखिए अभी फिर हमारा स्टार्ट हो गया 1000 पे, और इस पर मेटल रखेंगे तो सेंस करके हीटिंग चालू हो जाएगा। तो इसका लॉन्ग प्रेस क्यों करना पड़ रहा है इसको फाइंड करते हैं, बने रहिए वीडियो में, चेक करके हम आपको बता देंगे। तो ये फ्रेंड्स, इसका प्रॉब्लम हमने ढूंढ लिया है, अब हम इसको लगाते हैं पावर मोड में, सप्लाई में। ये हमारा सप्लाई आ गया, और ये इसका स्टार्टिंग फंक्शन है, हमने चेक किया इसका कि ये मतलब नया था तब भी, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसा है कि ये वोल्टेज शो करता रहता है कंटिन्यू, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये हो रहा था कि लॉन्ग प्रेस करना पड़ता था स्विच को। अब आसानी से एक बार प्रेस करिए चालू हो जाएगा, देखिए हमारा 1000 पे चालू हो गया, दोबारा प्रेस किए ऑफ हो गया हमारा, फिर वोल्टेज शो करने लगा। आप देख पा रहे होंगे हम इसलिए लाइट भी बंद कर दिए हैं, हम एक बार आपको फ्लैश भी बंद करके दिखा देते हैं। देख पा रहे हैं 238 वोल्ट, हम इसके बटन को सिंगल प्रेस करेंगे, बस स्टार्ट हो गया, फिर हम दोबारा प्रेस करें बंद हो गया हमारा। देख पा रहे होंगे थोड़ा और सामने ला दूँ, तो आप देख पा रहे हैं हमारा पावर बटन है, एक बार प्रेस किया स्टार्ट हो गया, सेकंड प्रेस ऑफ हो गया। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
तो इसका ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस एक इस माइक्रो स्विच का ही प्रॉब्लम था। इसमें देख पा रहे होंगे, आपको दिखा दें, एक ये माइक्रो स्विच का प्रॉब्लम था जो कि ये प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, और बस हम इसको चेंज किए और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 5 रुपये 2 रुपये का स्विच है, तो आप घर पे भी इसको ठीक कर सकते हैं, या फिर अगर नया टेक्नीशियन या फिर नया इलेक्ट्रीशियन, नया इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, तो ये सब आपको जानकारी बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा ये सिंगर कंपनी का जो इंडक्शन था, इसका फॉल्ट के बारे में तो आपको बता ही चुके हैं, अब फाइनल इसकी बारी है चेक करने की। तो आइए हम यहाँ पर पावर सप्लाई इसको दे देते हैं। ये देख पा रहे हैं वोल्टेज आ गया, हम मेन लाइट बंद कर देते हैं ताकि आपको दिख सके। ये वोल्टेज शो कर रहे हैं 240 प्रॉपर, अभी 240 वोल्टेज होल्ड कर रहे हैं, या अप डाउन थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। या हमारा ऑन कमांड दिए 1000 पे स्टार्ट हो गया, और हम यहाँ से फंक्शन चेंज कर लेते हैं। देख पा रहे हैं बुलना चालू हो गया, देख पा रहे हैं ओवर हीट हो रहा है अब तो। वैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।